हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में उनको लेकर एक दावा हो रहा है। दावा ये कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रधानमंत्री राहत कोष में और अपना निजी आवास सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए दान किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपूर्ण संपत्ति प्रधानमंत्री राहत कोष में जाएगी। अब लोग मनोहर लाल खट्टर के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के नेताओं को उनसे कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावे के बाद जरूरी ये होता है, जैसा कि हम और भी सीरीज में करते आए हैं, कि देश किसका के फैक्ट चेक टीम के तरह से ये तय किया जाता है कि आखिर फैक्ट चेक में ये दावा सही है या फिर गलत। हमने इस दावे का भी फैक्ट चेक किया। फैक्ट चेक में ये खबर सही निकली। पता चला कि 29 जनवरी 2024 को मनोहर लाल अपने पैतृक घर पर पहुंचे थे। उन्होंने रोहतक के पैतृक घर को दान कर दिया, जिसमें गांव के बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। उन्होंने खुद ऑफिशियली अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी भी साझा की और साथ में ट्वीट भी किया। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूं और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है। मेरे लिए बहुत एक प्रकार से क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था। मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, उसमें मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को स्कूल कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गांव के लोग करना चाहेंगे पति बना करके करेंगे। इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत पसंद। आपको बता दें कि मनोहर लाल के इस पैतृक घर की कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा है। उन्होंने साल 2019 में जमा किए हल्फनामे में बताया था कि उनके पास 1,27,00,000 के कुल एसेट्स हैं। वे खुद कह चुके हैं कि उनके मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति दान कर दी जाएगी। इसलिए फैक्ट चेक में जो ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, ये दावा बिल्कुल ही सही साबित हुआ। इस तरह से सन न्यूज तक भी आपसे अपील करता है कि अगर जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था वो सही निकला, हो सकता है कि कोई दावा गलत हो, इसलिए न्यूज तक आपसे खास अपील करता है कि अगर कोई भी दावा सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रहे हैं तो आप हमें टैग कर जरूर बताएं, हम उसकी फैक्ट चेक करेंगे और उसकी सच्चाई आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।